हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं प्रियंका एक न्यू ब्लॉग के साथ आपके साथ आ गई हूँ रूबरू होने के लिए। जब से तूने थामा है बाबा मेरा हाथ, दुनिया अब दिखती नहीं, सब दिखते भोले मुझको। तुझ पे सबसे ज्यादा एतबार हो गया, भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब कब हो गया, भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब कब हो। आज का ब्लॉग है श्री अमरनाथ जी की यात्रा से रिलेटेड। इस साल यानी 2022 में मैं करने जा रही हूँ अमरनाथ की यात्रा। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जाने से पहले मेडिकल टेस्ट यानी हेल्थ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो मैं आज आपको हेल्थ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बताने वाली हूँ। अगर आप इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ये प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, जो कि कंपलसरी है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद ही आपको परमिट दिया जाता है इस यात्रा में शामिल होने की। स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको ये पूरी प्रक्रिया बताने वाली हूँ, इसलिए लास्ट तक ये वीडियो पे बने रहिए। कहा जाता है कि श्री अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी, इस वजह से यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। चले थे शंकर कथा सुनाने अमरनाथ का राज बताने। अमरनाथ जी की गुफा जम्मू कश्मीर के कश्मीर में अनंतनाग जिले में पहलगाम में स्थित है। पहलगाम से गुफा की दूरी 32 किलोमीटर की है। हालांकि गुफा में जाने के दो रास्ते हैं, एक पहलगाम और दूसरा बालटाल। पहलगाम वो रास्ता है जहां भगवान शिव स्वयं उस रास्ते से गए थे। पहलगाम वाला रास्ता 32 किलोमीटर का है और बालटाल वाला रास्ता 14 किलोमीटर का है, और पर वो 14 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और पहलगाम वाले रास्ते में तीन पड़ाव होते हैं, चंदनवाड़ी से स्नाक पंचतरणी होते हुए हम गुफा की तरफ पहुँचते हैं। जुलाई 2019 में जुलाई में यात्रा शुरू तो हुई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि आर्टिकल 370 हटा दिया गया था कश्मीर से। 2020 और 21 में कोविड के कारण यात्रा बंद रही। अब दो साल बाद यात्रा को चालू किया जा रहा है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। यात्रा की जो डेट गवर्नमेंट ने डिसाइड की है वो है 30 जून से यात्रा स्टार्ट है और 11 अगस्त तक चलेगी, यानी 30 जून से यात्रा शुरू है और 11 अगस्त तक चलने वाली है, यानी 43 डेज़ की यात्रा होने वाली है इस बार की। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 11 अप्रैल से ही, और मैंने रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लिया था क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से डेट चाहिए थी। रजिस्ट्रेशन से पहले जो प्रोसेस होता है वो है मेडिकल का, तो आज मैं आपको पहले मेडिकल का प्रोसेस बताऊंगी और फिर जो परमिट लिया जाता है वो प्रोसेस में बताऊंगी। आपको सबसे पहले अमरनाथ जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.sriamarnathjishrine.com पे जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। वहाँ से आपको दो फॉर्म डाउनलोड करने पड़ेंगे, एक है हेल्थ सर्टिफिकेट श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022, और एक दूसरा फॉर्म जो है वो है अमरनाथ जी की यात्रा परमिट एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले हेल्थ सर्टिफिकेट वाला फॉर्म फिल करना है, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कुछ हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो आप उसको बिल्कुल सही सही भरिए, और नहीं है तो नो कर दीजिए। और ये नीचे वाला कॉलम जो होता है ये ऑथराइज्ड मेडिकल हॉस्पिटल, ऑथराइज्ड डॉक्टर के सिग्नेचर के लिए होता है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको फिर से अमरनाथ वाले साइट पे आपको चेक करना पड़ेगा स्टेट वाइज
वहाँ लिस्ट दी हुई है डॉक्टर की, ऑथराइज हॉस्पिटल की लिस्ट चेक करनी है। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट में हूँ तो महाराष्ट्र के मुंबई में जो लिस्ट थी मैंने वो चेक किया, और जो मेरे घर के नियरेस्ट 3 हॉस्पिटल मुझे दिखे वो थे डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्पिटल कांदीवली, कस्तूरबा हॉस्पिटल बोरीवली ईस्ट और भगवती हॉस्पिटल बोरीवली वेस्ट। तो मैं उनमें से कस्तूरबा हॉस्पिटल बोरीवली ईस्ट में गई, वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साइंस मुझे यहाँ लेने थे, और उसके लिए उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखा था जो टेस्ट मैंने करवाए। उन्होंने मुझे ये टेस्ट लिखे थे जो सारे टेस्ट मैंने करवाए, जिसमें एक्सरे, ईसीजी, ब्लड शुगर सारे टेस्ट हुए थे मेरे। और उसके बाद ये सारे रिपोर्ट चेक करने के बाद डॉक्टर ने साइन और हॉस्पिटल का स्टैम्प लगाया उस पर। अब ये सारे टेस्ट आप प्राइवेट से भी करवा सकते हो, लेकिन जो सिग्नेचर होंगे डॉक्टर के वो ऑथराइज हॉस्पिटल से ही होने चाहिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, जो लिस्ट में है ऑथराइज हॉस्पिटल के नेम, वही हॉस्पिटल के यहाँ स्टैम्प लगते हैं और यहाँ पे साइन और उनका सर्टिफिकेट नंबर आता है, और जो टेस्ट वो करवाते हैं वो टेस्ट का यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि उन्होंने कौन कौन से टेस्ट करवाए, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टैम्प लगता है, डेट इशू होता है, डेट डाला जाता है, और यहाँ पे फ़ोटो लगाई जाती है। मेरे केस में हुआ ये कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे एक्सरे और ईसीजी तो हो गया, लेकिन ब्लड टेस्ट के लिए मुझे 2-3 दिन वेट करने को बोला गया। तो मैंने प्राइवेट से ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स निकलवाई, ब्लड टेस्ट करवाया, और फिर मैं डॉक्टर से साइन लिया मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट पर। उसके बाद ये प्रोसेस आपका होने के बाद दूसरा प्रोसेस आता है परमिट, उसके बाद आता है ये परमिट फॉर्म। इसमें भी बिल्कुल आपको नेम, एड्रेस सब कुछ सही सही भर देना है, और यहाँ पे आपको परमिट फॉर्म में लिखना है कि आप बालटाल के रास्ते से जा रहे हो या चंदनवाड़ी के रास्ते से, और किस डेट को आपको परमिट चाहिए, वो डेट फिल करनी है यहाँ पे। और ये एक इंश्योरेंस का एक छोटा सा कॉलम आता है। गवर्नमेंट ने कुछ 5 लाख के आसपास अमरनाथ यात्रियों के लिए इंश्योरेंस डिसाइड किया है कि अगर बाय चांस भगवान ना चाहे अगर यात्री को कुछ होता है तो उसके नॉमिनी को वो रकम मिल जाएगी। और ये ऑफिस की तरफ से जो रिसीट होती है वो है ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको अमरनाथ जी के साइट पे चेक करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ 446 बैंक के ब्रांचेस, जिसमें PNB जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक है, जो ये यात्रा की परमिट बना के देते हैं आपको। तो आपको उस ब्रांच में जो आपके नियरेस्ट होगी वहाँ जाना पड़ेगा। परमिट के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो ये परमिट फॉर्म रहता है, हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपके डॉक्टर ने इशू किया है वो, और उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड का जीरोक्स लगता है, 3 फोटोग्राफ्स लगते हैं पासपोर्ट साइज़ के, और साथ ही अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस कहीं और का है तो आपको लोकल एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है, जैसे कि रूम एग्रीमेंट या फिर बिजली बिल या फिर आप टेलीफोन बिल कुछ भी दे सकते हैं। और मेरे केस में हुआ ये कि मैं अपने नज़दीकी PNB ब्रांच गई थी परमिट के लिए, जहां पहुंच के मुझे ये पता चला कि पर डे के कुछ 10 ही लोगों को परमिट की एक ब्रांच में परमिशन है, और वहाँ जाके उन्होंने बोला कि आज का कोटा फुल हो चुका है, तो आप कल आइए 5 बजे सुबह आके आप लाइन में लगिए, और जो फर्स्ट 10 लोग होंगे हम उन्हें परमिट देंगे। पर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने वो मान गए, और फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे की परमिट की परमिशन दी, और उसके लिए 120 रुपीज़ जो बैंक में जमा कराने पड़ते हैं, और उसके बाद बैंक में जमा करवाने के बाद वो परमिट बना के देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में टोटल 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगे थे मुझे, 2 तो दोनों फॉर्म में गए मेडिकल और परमिट फॉर्म में, और 3 जो परमिट हमें मिला उस फॉर्म में लगे थे 3 फोटोग्राफ। वो परमिट फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है, और इस फॉर्म में जिस रास्ते से मैं जाने वाली हूँ, मैं पहलगाम के रास्ते से जाने वाली हूँ, वो और डेट मेंशन की गई है,
और मुझे उस डेट को चंदनवाड़ी गेट पे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। डेट मैं अभी आपको डिक्लेयर नहीं करूँगी, आने वाले ब्लॉग में आपको वो भी पता चलेगा कि मैं अमरनाथ यात्रा के जब ब्लॉग्स बनाऊँगी तो वहाँ पे सारा कुछ मेंशन होगा। ये सिर्फ ये ब्लॉग मैंने बनाया कि अमरनाथ की मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होती है उसके लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। तो अमरनाथ यात्रा की मेडिकल और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ये प्रोसेस ऑफलाइन है और आप ऑनलाइन भी ये प्रोसेस कर सकते हो। मैंने ऑफलाइन किया था इसलिए मैं उसकी जानकारी आपको दे रही हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से पहलगाम और बालटाल के रास्ते से 10,000 यात्री को एक दिन में परमिशन दी गई है। अब उतने ही यात्रियों की व्यवस्था वहाँ पे की जाती है और उससे ज़्यादा नहीं हो इसलिए वो परमिट करवाते हैं, परमिट की वाला प्रोसेस करवाते हैं, परमिट फॉर्म भरवाते हैं और जिस डेट को आप चाहते हो सकता है वो डेट वहाँ पे अवेलेबल ना हो तो आपको किसी और डेट का वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा परमिट। तो जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, अगर आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आपको आसानी से आपका मनचाहा डेट मिल जाता है। बाद में थोड़ा डेट मिलने में मुश्किल होती है, जैसा कि इस बार रजिस्ट्रेशन जिस हिसाब से हुए हैं उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल अमरनाथ जी की यात्रा में 800,000 यात्री शामिल होने वाले हैं। जितनी कठिन अमरनाथ की यात्रा है उतना ही मुश्किल लंबा इसका मेडिकल और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी है। तो अब ये प्रोसेस तो मैंने ऑफलाइन किया था पर ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेडिकल तो आपको करवाने ही हैं। मेडिकल चाहे आप गवर्नमेंट से करवाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल से, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट पे जो साइन होंगे वो ऑथराइज चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑथराइज हॉस्पिटल के ही होने चाहिए, किसी और का साइन नहीं चलेगा, प्राइवेट वालों का नहीं चलेगा साइन, तो वो वहीं से करवाना पड़ेगा आपको, तभी आपको यात्रा परमिट की परमिशन मिलेगी। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वहाँ पे रिपोर्टिंग के टाइम चेक होते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अमरनाथ जी की यात्रा पे जा रही हूँ। मैं प्रियंका एक न्यू ब्लॉग के साथ आपके साथ आऊँगी रूबरू होने के लिए। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।